दिल्ली से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर स्थित पानीपत का चुलकाना धाम, जहां खाटू श्याम बाबा का प्राचीन मंदिर आज भी मौजूद है। और जैसा कि आप हमारी पिछली वीडियो में भी देख चुके होंगे, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि यहां से चंद कदमों पे एक प्राचीन धाम और भी है, जो कि खाटू श्याम जी के प्राचीन धाम से भी प्राचीन है। जी हां, आज हम अपनी इस वीडियो में बात कर रहे हैं लकीसर बाबा धाम की। एक ऐसा धाम जिसकी कथा सतयुग से लेकर कलयुग तक विख्यात है, और ये वो धाम है जो कि सभी के प्राण की रक्षा भी करता है, चाहे वो बॉर्डर पे तैनात सिपाही फौजी ही क्यों ना हो, फिर चाहे कोरोना जैसी महामारी ही क्यों ना हो। लकीसर धाम में जो एक बार आ जाए वो कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकता। और ये देवेंद्र पुजारी जी श्याम बाबा से थोड़ा धाम से हम सब। सेठपाल जी, आप यहाँ के काफी समय से जुड़े हुए सेवादार हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या महिमा है यहाँ की? यह बहुत प्राचीन मंदिर है और हिंदुस्तान के 84 सिद्ध पीठों में शामिल है। ये चुनकट ऋषि महाराज श्री बाबा लकीसर का ये मंदिर है। ये सतयुग काल से है, इन्होंने चकवा बैन के साथ युद्ध किया और उनको हराया। इनके बहुत ही प्रमाण है और ये बड़ी ऐतिहासिक मंदिर है यहाँ का। ये काफी वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। यही बगल में हम देख रहे हैं 200 मीटर पे श्याम बाबा जी का भी मंदिर, जहाँ पे उन्होंने शीश दान किया। यह चुनकट ऋषि की तपोभूमि के कारण तपस्वी होने के कारण जो है ना, यह भूमि को पवित्र माना गया है। और श्री कृष्ण भगवान ने वीर बर्वरी का शीश, इसीलिए यहाँ पर चुलकाना धाम में शीश का दान दिया वीर बर्वरी ने यहाँ पर। अच्छा, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बाबा का जो धाम है, वहाँ पे अभी भी जो है कार्य काफी चल रहे, चाहे वो उनके पीछे जो है पार्क है, शेड वेड बनाई जा रही है, कब तक पूरे होने की इसकी वो है? ये तो यहाँ काफी समय चलता रहता है, मंदिर का निर्माण कार्य चलता रहता है। आगे से आगे जो है कार्यक्रम बढ़ते रहते हैं। मंदिर की धर्मशाला है, मंदिर के निर्माण कार्य है, भवन है, जैसे आप देख रहे हो आप यहाँ मंदिर में इस तीर्थ का स्थान है, इसमें तीर्थ की आपने एक महिमा इस तीर्थ की अपनी, इसके अंदर सात कुएं बताए जाते हैं, हमारे पूर्वज बता रहे थे काफी समय से। और जो इस तीर्थ के अंदर स्नान करता है, कोई भी शरीर में रोग हो, कोई दोष हो, कष्ट हो, सब खत्म हो जाते हैं बाबा की कृपा से। ये बाबा लकीसर की महिमा है बहुत भारी यहाँ पे। इस गांव का एक इतिहास हुआ, जब से गांव बसा है बाबा लकीसर के नाम, चुनकट ऋषि के नाम से चुलकाना धाम बसा हुआ है, इन्होंने ही इस गांव को बसाया। इस गांव में आज तक कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई है। सबसे बड़ा ये है, इस गांव का आज तक कोई भी जवान फौज में शहीद नहीं हुआ, ये इस बाबा की असीम कृपा है। और जो भी दर्शनार्थी, जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं सेवा भाव से, उसकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है चुलकाना धाम के अंदर। चुनकट ऋषि की श्री बाबा लकीसर की बहुत बड़ी महिमा है और इसका बाबा का पूरे गांव में, दुनिया में सबका आशीर्वाद जो यहाँ प्राप्त होता है और सभी को जो है नया फल मिलता है आने से। इसी की चुनकट ऋषि की तपोभूमि के कारण ही यहाँ पर आपको बताया गया पहले भी कि वीरवर्ग ने शीश का दान श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ दिया और श्याम बाबा का यह मंदिर बहुत बड़ा। अच्छा, हम पंडित जी से बात करना चाहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं जी यहाँ पुजारी जी हूँ जी, अमित शर्मा नाम है जी। अच्छा, पीढ़ी दर पीढ़ी हम यहाँ। शर्मा जी, कोई ऐसा चमत्कार जो आपने अभी तक अपने आंखों के सामने देखा हो, जो हमारे साथ आप साझा करना चाहते हो यहाँ पे? बिल्कुल जी, जो यहाँ श्रद्धा भावना से जो भी भक्त आज तक आए हैं और जो आगे जो अपनी सकल मनोकामना मांगने आती है, जो भी उनकी इच्छा होती है, बाबा के जो भाव लेके यहाँ पे दर्शन करते हैं, भाव मात्र से, दर्शन मात्र से ही उसकी मनोकामना पूरी होती है। मेरे पास प्रमाण है, हमारा तीर्थ है बाबा जी का चुनकट ऋषि तीर्थ लकीसर बाबा का, इसमें स्नान करने से चर्म जो रोग होता है शरीर में, चर्म रोग दूर हो जाता है जी। इन्हीं के नाम से गांव से चुनकट से चुलकाने वाला लकीर के फकीर थे, जो बोल देते पत्थर की लकीर था, इसलिए आज इनको लकीसर बाबा के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ का इतिहास है। चमत्कार तो बहुत है जी, बहुत चमत्कार है, बहुत चमत्कार। मैं बताता हूँ आपको चमत्कार यहाँ के। अभी पीछे कोरोना काल में मेरे को कोरोना हुआ था और हमारे गांव के अंदर 65 आदमी को कोरोना हुआ था, 65 में से एक की भी मौत नहीं हुई है। बाबा के आशीर्वाद से 65 के 65 आदमी कोरोना काल में ठीक हुए हैं, जो कोई हॉस्पिटल में नहीं गए, कहीं नहीं गए, गाँव में इलाज हुआ। मेरे को खुद कोरोना हुआ था, मैं गाँव में ही रहा, अपने घर ही रहा, बाबा का गुणगान करता रहा, तो मैं भी यहीं ठीक हुआ हूँ। कोई मौत नहीं हुई हमारे कोरोना काल में हमारे गाँव के अंदर।
दूसरा प्रमाण मैं तो मेरा बेटा विदेश में गया हुआ, विदेश में जाने के बाद बीमार हो गया। मैंने बाबा से अरदास लगाई कि बाबा मेरा बेटा बहुत बीमार है, क्या गलती हुई मेरे से, क्या भूल हुई है। तो बाबा आवाज़ आई कि घबराओ मत, आपका बेटा दो दिन के अंदर आ जाए, ठीक है घबराओ मत। जहाज के अंदर बैठा था, मेरे को बड़ी चिंता हो रही थी, घबराहट हो रही थी कि लड़की को पता नहीं क्या बीमारी लड़ गई। तो ऐसे ही मेरा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे, ये बाबा के पहले ही संकेत आ चुके थे। तो ऐसे बहुत प्रमाण है बाबा के, बहुत ज्यादा संकेत है। और जो इन्हें सच्ची आत्मा सच्चे दिल से मानता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है, ये एक इतिहास है। जय बाबा लक्ष्मी शक्ति, जय बाबा। की महिमा ही कुछ ऐसी है, जो भी आया कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटा। और इसी धाम के प्रांगण से सटे इस सरोवर में जिसने भी स्नान किया, मानो उसने अपने समस्त कष्टों से निवारण पा लिया, फिर चाहे वो कोई चर्म रोग ही क्यों ना हो। चलिए फिर आप सभी को दर्शन करवाते हैं चुलकाना के लकीसर बाबा धाम की। हर नव वर्ष की शुभ बेला पे यहाँ भक्तों का तांता लग जाता है और भक्तगण यहाँ पहुँच बाबा के सम्मुख अपने कष्टों का निवारण करते हैं और आशीष प्राप्त कर धन्य हो जाते हैं। भैया जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। और हमारे साथ जो आज जुड़े न्यूज पत्रकार अपने भारती चैनल जो आए, सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। क्या महिमा है इस लकीसर बाबा धाम के बारे में थोड़ा सा? लकीसर बाबा को पहले चुनगढ़ ऋषि जी महाराज के नाम से जाना जाता था। चुनगढ़ ऋषि जी महाराज के नाम पर ही ये चुलकाना धाम बसा हुआ गांव है। सतयुग के समय में यहाँ पर इन्होंने घोर तपस्या करी थी और उस तपस्या के बल के कारण ही भगवान ने शीश का दान इस भूमि पर ही दिया था। क्योंकि चुनगढ़ ऋषि जी महाराज ने सतयुग में जब यहाँ पर घोर तपस्या करी, क्योंकि ये ऋषि थे, महर्षि थे, यहाँ पर एक राजा चकवा बहन थे जो जिनका पूरे भारतवर्ष पर राज्य था, तो उन्होंने यहाँ पर एक यज्ञ भंडारा करा
कि भाई मैं राजंस खिलाऊंगा, कि भाई ऐसा इतना बड़ा भंडारा कर दिया कि जितना पृथ्वी लोक पर जीव जंतु सभी को राजंस खिलाऊंगा, लेकिन ये ऋषि जी महाराज के पास आए, बोला जी हमारा आप भंडारा राजंस ग्रहण करो। इन्होंने मना कर दिया, बोला जी मेरा काम है भिक्षा मांगकर खाना, और जो मुझे उस भिक्षा में मिलेगा और मैं उसको स्वीकार करूँगा। तो बोला जी या तो आपने राजंस खाना पड़ेगा या फिर आपने हमारा राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा। जैसे ही उन्होंने ये कहा मैं राज्य छोड़ सकता हूँ, राज्य छोड़ने के लिए उस नगर से निकल पड़ते हैं चुनकर ऋषि जी महाराज, और लास्ट में जाकर एक समुंदर नज़र आता है, और समुंदर के नज़दीक जब पहुँचे तो वहाँ भी एक कुछ ऐसा वाइब्रेशन उनको पैदा हुई कि यहाँ तक भी उस राजा का, राजा चकवा बैन का राज्य है। लेकिन दोबारा फिर लौट कर कुछ वर्षों बाद चुलकाना धाम फिर लौट कर आ गए, इसी भूमि पर आ गए। जब आए तो कुछ सैनिकों ने उनको पहचान लिया, राजा से शिकायत करी, राजा से शिकायत करी तो राजा फिर आया, बोला जी महाराज, ऋषि जी महाराज, अब तो आपने राजंस ग्रहण करना पड़ेगा, जब आप पर राजंस नहीं खाया और ना आपने राज्य छोड़ा, अब तो राजंस खाना पड़ेगा। बोला भाई मैं नहीं खाऊंगा। बोला अगर नहीं खाते हैं तो आपको को मुझसे फिर युद्ध करना पड़ेगा। बोला कि मैं मुझे मार दूँ मेरे को क्या भाई। बोला ऐसे नहीं, अगले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में हमारी सेना आएगी और आपको मार जाएगी और आपके साथ युद्ध लड़ेगी। तब फिर भगवान की भक्ति में लीन हो गए चुनकर ऋषि जी महाराज, यहाँ पर बहुत तपस्या करी, तपस्या के बल के कारण भगवान विष्णु जी ने जब उनको तीन कुशाएँ बनाकर दी, और जब कुशाएँ बनाकर दी तो कहा कि इस कुशा में से जो जो कुश आप तोड़कर सेना पर आप सुभा करेंगे, जैसे अवती देते हैं हवन कुंड चलता है, हवन में जैसे अवती देते हैं, ऐसे ही इस कुशा की आप तोड़ोगे और वो धरती वहाँ से पलट जाएगी। ऐसा ही दृश्य है सेम, फिर सुबह के समय जब चुनकर ऋषि जी महाराज के समीप नज़दीक वो सेना आनी शुरू हुई, उस कुशा में से थोड़ा तोड़ते और उस पर सुभा कर देते, वो सेना बिल्कुल खत्म हो गई, वो धरती वहाँ से पलट गई, और जो राजा चकवा बहन थे बिल्कुल सेना समाप्त होने के बाद राजा लास्ट में बचता है और महाराज के सिर चरणों में आकर गिड़गिड़ाने लगता है। बोला नहीं मैं वचनबद्ध हूँ और मैं आपको भी ध्वस्त कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, आप जा सकते हो, अपने बच्चों से मिल सकते हो, एक बार मिलना चाहते हैं तो। जैसे ही राजा नंगे पैर दौड़ा गया, यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर खेड़ी गुजर गांव पड़ता है जिसके राजा चकवा बहन की राजधानी हुआ करती थी। आज भी उस भूमि से अंश मिलते हैं सरकार द्वारा कि उस भूमि पर खोदने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और उस पर आज भी महल के कुछ अवशेष मिलते हैं, और वो राजा ध्वस्त कर दिया। जब से चुनकर ऋषि जी महाराज ने यहाँ पर घोर तपस्या करी थी उनके नाम पर ही ये चुलकाना धाम पड़ा। अच्छा, चुलकाना धाम ने महाभारत भी देखा है और रामायण भी देखा है, तो रामायण से भी जुड़ी कुछ इसमें कहानियाँ आ रही हैं सामने कि किस तरह श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को उतार दिया था, उसके ऊपर थोड़ा सा जो जो युग हुए इस, देखो 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और ये कलयुग में, तो ये कलयुग चला हुआ। सतयुग में तो ऋषि जी महाराज ने यहाँ पर घोर तपस्या करी जिसके नाम पर चुलकाना धाम पड़ा। फिर त्रेतायुग में श्रवण कुमार जी अपने जब माता पिता की यात्राएं करा रहे थे उस समय ये तीर्थ जो सामने नज़र आता है इधर ही चुलकाना धाम में, यहाँ पर अपने माता पिता की यहाँ पर स्नान कराया था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा वीर वरवरी का इस भूमि पर शीश का दान दिया, और आज इस कलयुग में तो बाबा साक्षात विराजते हैं चुलकाना धाम में, जहाँ लाखों करोड़ों की भगत जन चुलकाना धाम पहुँच रहे हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण हो रही है, और बाबा से प्रार्थना करेंगे सब भक्तों पर बाबा अपने